वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ पॉलिसीज के बारे में। जैसे आप देखते हो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है या फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट है, ये कौन से ईयर में आया, या फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कौन से ईयर में आया। तो ये सारे क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलते हैं, एक क्वेश्चन तो 100% मिलेगा। सो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि कुछ ट्रिक लगाकर इसको याद कर पाए, और जहाँ पर ट्रिक नहीं लग सकती वहाँ पर उसको नॉर्मली याद करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब आज के अपने सेशन को। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम किसकी बात करें, बाघ परियोजना की, या उससे पहले एक बात और कर लेते हैं। देखिए, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बाघ परियोजना आपको बता रहा हूँ कि ये कौन से ईयर की है, नॉर्मली मैं आपको सिर्फ इतना सा ही बताऊंगा कि ये 1973 में इसको लेके आया गया था इस परियोजना को। बट अब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कराया तो आप ये भी समझ लीजिए कि अगर हम बाघ परियोजना की बात करें, 1971 में हिंदुस्तान ने जीता था। किसको? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को जीतने का मतलब है उस युद्ध में हमने पाकिस्तान को हराया था। दैट मींस कि हम एकदम बाघ की तरह थे, समझ रहे हैं, बाघ की तरह थे। मतलब अब जो है दिन प्रतिदिन हमारी जो एक स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ती चली गई। हम एक देश को हरा चुके थे जो हमारा सबसे पक्का दुश्मन है एक तरीके से कहें तो। सो इस तरीके से आप इसको इंटररिलेट कर सकते हो। 1971 उसमें खाली आपको बस दो और जोड़ना है, तो 1973 इसमें बाघ परियोजना को लेकर आया गया। ठीक है, अब यहां पर बाघों की संख्या में जो कमी थी उसको रोकना और उसकी संख्या में वृद्धि करना, ये इस परियोजना का मेन उद्देश्य था। बाघ परियोजना, मुझे नहीं लगता कभी आप कंफ्यूज हो गए, कभी आप देख लो एग्जामिनेशन में आपको देखे 1984 या फिर 1997, कोई भी ईयर आपको देखने को मिल जाए, लेकिन आप हमेशा याद रखोगे कि पाकिस्तान को हमने 1971 में हराया था। वही वो टाइम था जब बाघों की संख्या भी हमने बढ़ाना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, क्योंकि हम तो पाकिस्तान से जीत गए थे तो एक जोश जुनून हमारे अंदर था, तो हमारे शेरों की एकदम से मतलब बढ़ोतरी शुरू हो गई। ठीक है, बाघों की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं लाल पांडा परियोजना। अब ये जो लाल पांडा परियोजना है ये कब की है आपकी, 1996 की। अब अभी इसको बताऊंगा कैसे याद रखना, बट एक बार देख लेते हैं। लाल पांडा, ये भारत के पूर्वी जो हिमालय क्षेत्र है उसमें 1500 से 400 मीटर की ऊंचाई पर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग के जंगलों में पाए जाते हैं। और ये जो परियोजना है विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से इसको जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब बाकी इसके अंदर कुछ खास याद रखने के लिए नहीं है, सिर्फ आपको मेनली याद रखना है ये साल 1996। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, लाल पांडा की बात कर रहे हैं, किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है कैसे। अब देखो, यहाँ पर अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की बात करोगे जो बीजेपी की बिल्कुल स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है, सो ये वही टाइम था जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, मतलब 96 का 97 भी हो सकता है, डजेंट मैटर, बट आप याद रखो कि लाल का मतलब अगर आप देखो केसरिया रंग होता है इनका, बीजेपी वालों का, वही झंडा ले घूमते हैं ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इंटरलेट कर सकते हो। 1996 के आसपास ही आपको जब भी एग्जामिनेशन में देखोगे, तो मेरी कोशिश ये है कि जब आप एग्जामिनेशन में देखो तो वो ईयर अपने आप उठ के आपके दिमाग में आने लगे कि अच्छा हाँ यार ये हो सकता है, इसी पे लगाता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि हर एक साल और बहुत सारे फैक्ट्स हैं, हज़ारों फैक्ट्स हैं, याद रखना लगभग इम्पॉसिबल है, बट कुछ अगर दिमाग में क्लिक कर गया तो 100% याद रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, जो ये मृग परियोजना है। थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पर जूम कर दिया है, जूम इसलिए कर दिया ताकि आप जो है ईजिली यहाँ पर देख पाएं। अब ये थामिन मृग परियोजना 1977 की है। ठीक है, अब देखो अभी हमने तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशियंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523
8644455, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बात करी थी कि 1971 में क्या हुआ था कि हमने पाकिस्तान को हराया था, साल दर साल हमारी जो बाघों की संख्या थी हमने उसे बढ़ाना था, ठीक है, जोश में बहुत ज़्यादा थे, तो 1973 में हम बाघ परियोजना ले आए। अब कहीं तो जाके थमोगे, थमने का मतलब है कहीं तो रुकोगे ना, सो थमते थमते थोड़ा सा और डिले हो गया, पहले 2 साल बढ़ाए थे फिर 4 साल और बढ़ा दिए, ठीक है, मतलब 2 साल का क्या हो गया, 1971 से 2 साल जोड़े 1973, 4 साल और जोड़ दिए 1977, वहीं पर थम गए। जैसे ही मैंने थमना बोला तो थमने से ही ये नाम अपने आप आपके दिमाग में क्लिक करेगा, थामिन मृग परियोजना, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो थामिंग मृग है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके मणिपुर में पाए जाते हैं, ये चीज़ याद रखनी है, और विश्व के दुर्लभ स्तनधारी में से एक हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कछुआ। अब देखो कछुए की चाल, अब कछुए की चाल, अभी हमने किसकी बात करी, अभी सबसे पहले हमने बात करी कि भैया 1971 में पाकिस्तान को हमने हराया था, उसके बाद जो हम इतने जोश में थे कि हमने जो था अपने बाघों की संख्या बढ़ाना शुरू कर दी, क्योंकि देश में हर एक व्यक्ति जो था वो बहुत उत्साह में था, सो बाघ हमें यहाँ पर बढ़ाने थे, बाघ की बात ही सब लोग मतलब बनना चाहते थे, तो 1973 में हमने बाघ परियोजना स्टार्ट करी। अब भाई होता क्या है, जब आप कोई भी पढ़ाई भी स्टार्ट करते हो तो बहुत तेज़ी से स्टार्ट करते हो, लेकिन फिर क्या होता है, स्लो डाउन आ जाता है, कछुए की चाल पे आप आ जाते हो, समझ रहे हो। सो सबसे पहले 1973 ये था हमारा क्या, बाघ परियोजना। इसके बाद हम थोड़ा सा 2 साल के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा थम गए। आ गया साल 1975, जैसे ही 1975 आया तो आप कछुए की चाल पे चल रहे थे उस समय, सो ये हो गया आपका कछुआ संरक्षण परियोजना। उसके बाद 2 साल, या फिर यहां से हम बात करें 1973 से 4 साल, और यहां पर हमने थम गए थे, थम गए थे यानी कि जो थामिन मृग है जो कि मणिपुर में पाया जाता है, तो इससे रिलेटेड परियोजना को लॉन्च करा था 1977 में। सो इस तरीके से ये तीनों ही आप यहां पर याद रख सकते हो। अच्छा, यहां पर ये जो कछुआ संरक्षण परियोजना है इसके बारे में देख लेते हैं। कछुए की बात करें तो कछुए की विशिष्ट प्रजातियों में से एक है आपका ओलिव रिडले, ठीक है, ओलिव रिडले टर्टल, ये आपका साउथ अमेरिका की प्रजाति का एक कछुआ है जो प्रति वर्ष शीत ऋतु में यानी कि जब विंटर सीजन होता है तो भारत के जो पूर्वी तट होते हैं उसमें, विशेषता अगर हम बात करें तो उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में अंडे देने के लिए ये प्रवास करते हैं, और इसका उपयोग जो होता है कीमती औषधि निर्माण में होता है। इसके संरक्षण के लिए उड़ीसा की गवर्नमेंट ने 1975 में भीतरकनिका अभयारण्य से कछुआ संरक्षण परियोजना स्टार्ट की थी, और इस कछुए का प्रजनन स्थल ये उड़ीसा के गहिरमाथा जो समुद्री तट है जो 3 किलोमीटर लंबा और लगभग 350 मीटर चौड़ा द्वीप है जो 2 नदियों के मुहाने के भीतर भीतर कनिका जो अभयारण्य है उसमें लोकेटेड है, ठीक है, और इस अभयारण्य में मैनग्रोव वन भी पाए जाते हैं। ये सारी बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। इसके बाद बात करें हम किसकी, गेंडा परियोजना की। अब देखो 1971 से हम बहुत आगे बढ़ते चले गए, अब यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, 1987 की। अब ये साल हमें कैसे याद रखना है, गेंडे से कैसे रिलेट करना है, ये यहाँ पर देखो आप, ठीक है, पहले एक बार देख लेते हैं। गेंडे की बात करें तो एक सींग वाला जो गेंडा है वो हिंदुस्तान में पाया जाता है, और असम का जो मानस अभयारण्य है और जो काजीरंगा उद्यान है, उसके अलावा आपको वेस्ट बंगाल का जो जल्दापारा अभयारण्य है, यहाँ पर गेंडों की प्रमुख शरण स्थली है, मतलब यहाँ पर गेंडे बहुत पाए जाते हैं। इनके जो सींग होता है उसका यूज़ कहाँ पर होता है, आपका औषधि निर्माण में। अब ये 1987 कैसे याद रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो इसमें ये देखो ये जो साल है, ठीक है, इसके नंबर्स कैसे हैं, इधर बढ़ते हुए क्रम में हैं, 7, 8, 9, ठीक है, 7, 8, 9, ये है आपका गेंडे की जो परियोजना है उससे रिलेटेड। तो इस तरीके से याद रख लेना कि जब हम बात करेंगे 7, 8, 9 की, यानी कि पीछे से चलना है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो गेंडे को, क्योंकि गेंडे की अगर चाल देखो, पीछे देखो कितना चौड़ा सा होता है गेंडा, सो पीछे से यहाँ पर हम चलेंगे और इसको याद रखेंगे। अगर कोई ट्रिक आपके दिमाग में आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उसका भी यहाँ पर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं इसको फिर रिपीट कर दूंगा, अगर किसी को ट्रिक पसंद आई हो, अदरवाइज मुझे लगता है कि आपको याद रहेगा। जब भी गेंडे की बात करोगे पीछे से चलना स्टार्ट करोगे, 7, 9, 8, 7, ठीक है, 9, 8, 7, इन नंबर्स को याद रखो। इसके बाद घड़ियाल प्रजनन परियोजना की बात करें तो ये कब की है आपकी, 1975 की है, और ये घड़ियाल की बात कर लो या कछुए की, दोनों कहाँ रहते हैं, पानी में ही तो रहते हैं, सो दोनों पानी में रहते हैं, तो दोनों की जो परियोजनाएँ हैं वो भी एक ही साल में
स्टार्ट हुई हैं। अभी अगर आपको याद हो तो हमने बात करी थी 1971 की, जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, मैंने बोला कि 1971 के बाद बाघ की संख्या बढ़ने लगी, बाघ परियोजना डाल दी हमने 1973 में। उसके बाद भैया 2 साल बाद स्लो डाउन आ गया। ऑब्वियसली बात है, किसी भी काम को आप बहुत जोश से शुरू करते हो लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आप थमना शुरू हो जाते हो। तो ये आ गया साल 1975 जब आप कछुए की चाल चल रहे थे, यानी कि कछुआ जो संरक्षण था वो हमने स्टार्ट करा था। उसके बाद फिर से चीज़ें आगे बढ़ी और हम पहुंचे कब 1977 पे, या फिर हम बात करें तो 1973 से 4 साल बाद हमने स्टार्ट किया करा 1977। अब बताना जरा कमेंट सेक्शन में कौन से परियोजना की मैं बात कर रहा हूँ, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर 1975 में घड़ियाल प्रजनन परियोजना की बात करें, या फिर हम बात करें किसकी, जो हम बात कर रहे थे कछुए की, ठीक है। सो कछुआ और ये दोनों ही एक ही साल में, यानी कि 1975 में। इसके बाद नेक्स्ट पे चलें, इससे पहले एक बार देख लेते हैं जो घड़ियाल प्रजनन परियोजना है, ये भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP इसकी सहायता से 1975 में उड़ीसा से स्टार्ट की थी, और इसी परियोजना का विस्तार कोकरेल जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अंडमान, बिहार, असम, नागालैंड यहां पर भी किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका गिद्ध संरक्षण परियोजना। सो ये जो गिद्ध संरक्षण परियोजना है 2006 की है, ठीक है। अब यहां पर इस संरक्षण परियोजना को एज इट इज याद कर लीजिएगा, 2006 की है ये, ठीक है। 2006 में इसको हरियाणा में स्टार्ट किया गया था और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसके बाद 2006 में इसको वहां पर स्टार्ट किया गया था। गिद्धों की लगातार मौत हो रही थी, जिसकी वजह से ज़रूरी था कि भाई उनको प्रोटेक्ट किया जाए। अब उनकी जो मौत का कारण था वो क्या था, एक दवाई है डाइक्लोफेनिक, ये जानवरों को दी जाती, इंजेक्शन दिया जाता था, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता था, जब ये जानवर मर जाते थे तो गिद्ध जो थे उनको खाते थे, उसके बाद ये भी खत्म हो जाते थे। अच्छा, गिद्धों का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता था, ये जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जब वो इन मृत जानवरों के मांस को खाते थे। जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद, भुवनेश्वर से इस गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई थी और असम के जो धर्मपुर है वहां पर देश का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। कहां पर? असम के धर्मपुर में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें गिर सिंह परियोजना की। सो ये भी कब आपका 1973 में, बाघ परियोजना 1973 में, सिमिलरली गिद्ध जो गिर सिंह परियोजना है ये भी 1973। सो गिर अभ्यारण्य को 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और इसके साथ केंद्र सरकार द्वारा इसी उद्यान से गिर सिंह परियोजना की शुरुआत की गई। गिर उद्यान को एशियाई सिंगों का घर इसके नाम से भी जाना जाता है और गुजरात के जूनागढ़ जिले में तकरीबन 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये स्थित है उद्यान, और अब तक का ये एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां पर ये शेर पाए जाते हैं। सो मुझे लगता है कई सारी परियोजनाओं को ईयर आपने आज याद रखे हैं और आई होप कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा याद करवाने का। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी सब बात है जो आप मुझसे कहना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट में हम बात करेंगे हाथी परियोजना की, कस्तूरी मृग परियोजना, गंगा डॉल्फिन संरक्षण, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अगले वीडियो में। सो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।